क्या आपको पता है ताजमहल की फाउंडेशन लकड़ी से बनी हुई है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप ताजमहल के बारे में सब कुछ जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में बड़ा अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने शायद ही सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, ताजमहल की मेन गेट यमुना के तरफ बनाई गई थी, जिससे लोग यमुना पार करके ताजमहल में आते थे, पर बाद में गेट को उसके अपोजिट साइड गार्डन के तरफ कर दिया गया। दूसरा, क्या आपको पता है ताजमहल में 7 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 3 फ्लोर्स ग्राउंड फ्लोर के नीचे और बाकी 4 ऊपर हैं। तीसरा, ताजमहल के सबसे ऊपर जो कलश है वो सोने का बनाया गया था, लेकिन अंग्रेज इसे भी बाकी अनमोल रत्नों और पत्थरों के साथ ले गए, जिसके बाद कलश को तांबे का बनाकर लगा दिया गया। चौथा, कहा जाता है सफेद ताजमहल के जैसे ही ठीक यमुना के दूसरी तरफ शाहजहां ने काला ताजमहल भी बनवा रहे थे, जो उनकी कब्र के लिए होता, लेकिन तब तक उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा दिया। पांचवा, शाहजहां ने ताजमहल के आर्किटेक्ट से कहा था उन्हें अभी तक की सबसे एडवांस बिल्डिंग चाहिए, जिसे फिर ऐसे बनाया गया कि जब बारिश होती है तब बारिश की केवल एक बूंद उनके कब्र के बीच में गिरती है, और ये कैसे होता है इसे अभी भी नहीं समझा जा सका है। छठा, ताजमहल को बनाने का सबसे कठिन भाग उसकी फाउंडेशन थी, जिसे यमुना के किनारे बनाया जाना था, जिसके लिए कुएं खोदकर उसके अंदर ईंट और पत्थर भरे गए ताकि बेस को और मजबूत किया जा सके। फिर उसके ऊपर अबानुस की लकड़ियां डाली गई जो पानी के संपर्क में आने पर और मजबूत हो जाती हैं। सातवां, कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सारे मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी बिल्डिंग ना बना पाए, जो बिल्कुल ही झूठी अफवाह है। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों से केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसमें जिंदगी भर उनका ध्यान रखे जाने और उसके बदले उनका कोई काम ना करने की बात थी। आठवां, ताजमहल को मुमताज महल की याद में, जो 35 साल की उम्र में अपने 14वें बच्चे को जन्म देती हुई मर गई, उनकी याद में बनाया गया था, जिसे 1632 में बनाना शुरू किया गया था और इसे कंप्लीट होने में 22 साल लग गए थे। अनुमान के हिसाब से तब के समय में इसे बनाने में 3,20,00,000 रुपए लग गए थे, जो अभी के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए होंगे, जिसमें हर साल 70 से 80 लाख विजिटर्स आते हैं। नौवां, क्या आपको पता है ताजमहल को डिजाइन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग को बनाने में 20,000 आर्टिसियंस काम कर रहे थे, जिन्हें कई आर्किटेक्ट गाइड कर रहे थे और उन्हें लीड कर रहे थे आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लोहरी। दसवां, वर्ल्ड वार टू के टाइम जापान के द्वारा हवाई हमले से बचने के लिए ताजमहल के डोम के चारों तरफ बैम्बू से घेर दिया गया था, साथ ही पूरी बिल्डिंग को कपड़े से लपेट दिया गया था, और ऐसा ही पाकिस्तान से हुए झगड़े के दौरान भी किया गया था। 11वां, ध्यान से देखने पर आप ये पाएंगे कि ताजमहल के चारों मीनार बाहर की तरफ झुके हुए हैं, ताकि भूकंप के समय गिरने पर कोई भी मीनार मेन बिल्डिंग पर ना गिर सके। 12वां, क्या आपको पता है ताजमहल को देखने पर वो दिन के अलग अलग समय दूसरे रंग की दिखती है, जैसे सुबह के वक्त गुलाबी, शाम के वक्त सफेद और चांद की रोशनी में सुनहरी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे की स्टोरीज जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।